सब्सक्राइब कीजिए गिक्की ऋषभ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए किसी भी नोटिफिकेशन को सबसे पहले जानने के लिए। पता नहीं ऐसे कितने काम होंगे जो हम अपने पीसी में न जाने कितनी बार रिपीट करते होंगे। या कितना अच्छा होगा ना कि अगर हमें इन कामों को करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स का पता चल जाए। या जरा खुद ही सोचो ना, जो हम ये काम करते रहते हैं बार बार, अगर हम कुछ कीज के कॉम्बिनेशन को याद कर लें तो बड़े ही आसानी से और बड़े ही स्पीड से हम इन कामों को निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 की कुछ ऐसी अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ना ही सिर्फ आपका कीमती समय बचाएंगी बल्कि आपको एक प्रोफेशनल लुक भी दे पाएंगी। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मान लीजिए, अगर हम अपने लैपटॉप पर कोई पर्सनल वर्क के सीक्रेट प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं और कोई अचानक से हमारे रूम में आ जाए, तो हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि पहले उस डाटा को सेव करें और उसके बाद क्लोज करें, और फिर जब वो चला जाए तो दोबारा डाटा को ओपन करके काम स्टार्ट करना शुरू करें। तो गाइज, अगर हमारे पास कोई ऐसी कीज़ आ जाए, ऐसी कीज़ का कॉम्बिनेशन आ जाए जिसकी हेल्प से हम एक ही सेकंड में पूरी स्क्रीन को ही लॉक कर दें, तो कैसा रहेगा। तो गाइज, अगर हम डायरेक्टली विंडोज़ की प्लस एल को प्रेस करें तो जो हमारी पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो ही लॉक हो जाती है। गाइज, अगर हमें स्क्रीन के किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करना है तो इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होता है, जिसके लिए हमें प्रेस करना होगा विंडो की और उसके साथ प्लस या माइनस की की। तो ऐसे हम ना ही केवल जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे बल्कि गाइज कर्सर को मूव करके बड़े ही आसानी से स्क्रीन के किसी भी जगह जा सकते हैं। और गाइज, मैग्नीफाइंग ग्लास को बंद करने के लिए हमें प्रेस करना होगा विंडो की प्लस एस्केप की। दोस्तों जरा सोचिए, अगर नेट पर सर्फिंग करते टाइम हमें कोई भी पेज काम का लगता है तो सिंपली विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करके हम उस पेज का स्क्रीनशॉट एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। और अगर पूरे पेज में ओनली कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ही काम का है तो सिंपली विंडो की प्लस शिफ्ट की प्लस एस की प्रेस करके गाइज हम वो पर्टिकुलर एरिया कॉपी कर सकते हैं और आप कहीं पर भी जाकर के इस एरिया को पेस्ट कर सकते हैं। गाइज, लेकिन ध्यान रखें, ये शॉर्टकट की ओनली तभी काम करेगी जब आपने अपने विंडोज 10 की क्रिएटर्स अपडेट को इंस्टॉल कर रखा होगा अपने पीसी में। गाइज, जब कभी भी हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना होता है तो सिंपली उस फोल्डर पर एक क्लिक करने के बाद अगर हम जरा सा गैप देकर दोबारा अगर टेक्स्ट वाले पोर्शन पर क्लिक करें तो सीधा टेक्स्ट टाइप करके रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो शॉर्टकट की मैं बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर हम विंडो की के साथ एरो कीज का यूज़ करें तो हम बड़े ही आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ कोई और भी काम करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट की हेल्प से आप ये भी कर पाएंगे। अगर हम विंडो की के साथ लेफ्ट या राइट एरो की को प्रेस करें तो जौन सी भी विंडो हमने सेलेक्ट की होगी वो लेफ्ट या राइट मूव हो जाएगी। और अगर विंडो की के साथ अप या डाउन एरो की को प्रेस करें तो जौन सी भी विंडो हमने सेलेक्ट की होगी उसका साइज छोटा या बड़ा या फिर मिनिमाइज भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए हमसे कोई टैब गलती से बंद हो गई तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में अगर हम कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस टी की प्रेस करें तो जो भी लास्ट टैब होगी वो ओपन हो जाएगी, चाहे हमने अपना ब्राउज़र ही क्यों ना बंद कर दिया हो। अगर ब्राउज़र दोबारा ओपन करके हम कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस टी की प्रेस करें तो भी लास्ट टैब गाइज ओपन हो जाएगी। दोस्तों मान लीजिए, अगर हमने अपने लैपटॉप में बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी है और हमें सीधा डेस्कटॉप में जाना है तो सीधा विंडो की प्लस डी की प्रेस करने से विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और हम डेस्कटॉप में आ जाएंगे। और अगर दोबारा विंडो की प्लस डी की प्रेस करें तो अगेन वही विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों मान लीजिए, अगर हमने 3-4 टैब अपने लैपटॉप में ओपन कर रखी है और हमें कभी किसी टैब में जाना है तो कभी किसी टैब में, इसके लिए हम अगर एल्ट की प्लस टैब की प्रेस करें तो हम डायरेक्टली उस टैब में जा सकते हैं जो भी हमने लास्ट टाइम ओपन करी थी। और अगर गाइज किसी और टैब में जाना है तो एल्ट की को तो प्रेस किया रखें, और टैब की को बार बार प्रेस करने से हम डिफरेंट विंडोज़ में मूव कर पाएंगे। फिर जैसे ही हम एल्ट बटन रिलीज़ करेंगे तो जो भी विंडो हमने चूज़ करी है वो गाइज ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमें कोई भी विंडो या प्रोग्राम क्लोज करना है तो एल्ट की प्लस F4 की प्रेस करके डायरेक्टली हम जो भी प्रोग्राम या विंडो ओपन है उसको क्लोज कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलना, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।